हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूँ प्रीति। सो गाइस, आज जिस प्रोडक्ट का हम लोग रिव्यू करने वाले हैं वो है ये माय फेयर क्रीम। एंड गाइस, ये क्रीम जो है वो दावा करती है कि आपको फेयरनेस देगी एंड आपको सुंदर सुंदर बहुत ज़्यादा सुंदर बना देगी, बहुत ज़्यादा गोरा बना देगी। एंड जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, जो मेरा पर्सनल रिव्यू है, मैं वो आपके साथ इसका एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सो गाइस, येलो कलर के एक कार्डबोर्ड में इस तरह से सुंदर सी पैकेजिंग बनाई हुई है। एंड ये देखिए, एंड ये आपको लुभाने के लिए बनाया गया है। सो गाइस, मुझे ऐसा लगता है। सो गाइस, इसमें क्लियरली मेंशन है, इसमें है मोमेटोसिन एंड ट्रेटियोइन एंड हाइड्रोक्योइन क्रीम, माय फेयर क्रीम। एंड इस तरह से दिया हुआ है। एंड ये क्लियरली यहाँ मेंशन है नाइट क्रीम है, आपको ऑलरेडी ओनली इसको नाइट में यूज़ करना है। एंड इसकी जो शेल्फ लाइफ है वो है 24 महीने। आप 2 साल तक इसको रख सकते हैं इजीली। एंड इसकी जो क्वांटिटी है वो है 20 ग्राम। एंड इसका जो मार्केट प्राइस है वो है 195 रुपीज़। एंड मैंने ये लोकल मार्केट से ही परचेज़ की है। सो गाइज, ये कुछ इस तरह से है। एंड चलिए मैं इसको ओपन करके दिखाती हूँ कि ये कैसी है। सो गाइज, इस तरह की अंदर से है इसकी पैकेजिंग, आप देख सकते हैं। मैं इसका ट्यूब अंदर से निकाल लेती हूँ। एंड ये देखिए, एंड येलो कलर का एक प्यारा सा क्यूट सी पैकेजिंग है। पैकेजिंग मुझे बहुत पसंद आई। क्लियरली यहाँ पे भी मेंशन है, हिंदी में भी लिखा हुआ है, ये केवल रात में ही उपयोग में करें। एंड इसकी जो टेक्सचर है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि कैसा है। एक येलो कलर का फॉइल है यहाँ पर, इसकी जो सील है वो इसको हटा देते हैं एंड क्रीम को अप्लाई करते हैं एंड आपको दिखाते हैं कि ये क्रीम कैसी है। सो ऐसी मैंने हटा दी है। एंड मैं यहाँ आपको इसका टेक्सचर एक दिखाना चाहूँगी। एक क्रीमी टेक्सचर है, येलोइश में है, येलो वाइट मिक्स में है इसका जो टेक्सचर है। एंड ये देखिए, क्रीम लगाने में कितनी अच्छी लग रही है। एंड ये थोड़ी सी चिपचिप रहेगी, लाइट वेटेड बिल्कुल भी नहीं है, थोड़ा हैवी है ये क्रीम। एंड ओनली नाइट में लगानी है। एंड आपको पहले फेस को वॉश करना है एंड आपको सो जाना है। एंड बहुत ही ये दावा करते हैं कि ये फेयरनेस के लिए अच्छी है। एंड मैं बता दूं कि ये फेयरनेस के लिए वाकई में अच्छी है, फेयरनेस के लिए बेस्ट क्रीम है। बट क्या होता है कि जैसे जैसे आप इस क्रीम को कंटिन्यू लगाते हैं तो आपको फेयरनेस बिल्कुल मिलेगा गाइज, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही आपकी स्किन वाइट होगी वैसे ही धीरे धीरे जैसे कि आप इसको छोड़ते हो तो आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा बेकार हो जाएगी, आपको हाइपर पिगमेंटेशन हो जाएगा, बहुत ही आपको दिक्कत होने वाली है। आप कंटिन्यू इसको लगाएं फिर छोड़ दें, बहुत दिक्कत हो जाएगी। अगर आपको जैसे आपको फेयरनेस के लिए क्रीम चाहिए तो आप बिल्कुल भी, मैं इसको रिकमेंड नहीं करूँगी, बिल्कुल भी नहीं लगा सकते आप। इससे स्किन बहुत एलर्जी हो जाएगी आपको एंड आपको पिंपल भी हो सकता है एंड आपकी स्किन धीरे धीरे रेड रेड हो जाएगी, आपकी स्किन फटने लगेगी, बहुत ही ज़्यादा गंदा रिजल्ट आपको मिलने वाला है। एंड अगर आपको हाइपर पिगमेंटेशन है, बहुत ज़्यादा दाग धब्बे डार्क स्पॉट हो रहे हैं तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। वो भी कंटिन्यू आप इसको अप्लाई ना करें, आपको अप्लाई करने के लिए आप हफ्ते में 3 बार आप इसको यूज़ कीजिए। ओनली जो आपके डार्क स्पॉट है वहाँ पर यूज़ कीजिए, ओनली नाइट में यूज़ कीजिए एंड प्लेन वाटर से आप नेक्स्ट डे वॉश आउट कर दीजिए। कंटिन्यू इसको आपको नहीं लगाना है, ओनली फेयरनेस के लिए आप सोचें हम इसको लगाएं गोरे हो जाएं, बिल्कुल गोरा करेगा ये आपको, लेकिन गोरा करने के बाद आपको जो बेकदरी से आपकी स्किन मतलब बिगाड़ेगा ये, तो मैं उसके लिए कुछ भी नहीं कर पाऊँगी। कि आप ये ना कहें कि मैंने आपको क्रीम रिकमेंड की, आपने परचेज़ की। जो मेरा पर्सनल ओपिनियन होता है गाइज, मैं आपके साथ वो ही शेयर करती हूँ। एंड आपके नीड के अकॉर्डिंग, आपके बजट के अकॉर्डिंग आपको प्रोडक्ट्स लेने होते हैं। तो गाइज, मेरे हिसाब से तो इसको मैं ओनली 2 स्टार दूँगी, क्योंकि आपको डार्क स्पॉट के लिए ये बेस्ट है। आपकी डार्क स्पॉट बिल्कुल जाएंगे, हाइपर पिगमेंटेशन हो जाती है, पिंपल्स के बहुत गंदे निशान फेस पर रह जाते हैं, आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते। अगर आपको पिंपल है बिल्कुल अप्लाई ना करें। और फेयरनेस के लिए भी अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो वही रखिए, आप हफ्ते में ओनली 3 टाइम्स इसको यूज़ कीजिए बस। एंड जब इसको अप्लाई कर रहे हो तो आप एलोवेरा जेल, आप मॉर्निंग में फेस वॉश करने के बाद एलोवेरा जेल ज़रूर अप्लाई करें, क्योंकि आपकी जो स्किन है वो डिहाइड्रेट हो जाएगी, तो आपको स्किन को हाइड्रेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। सो गाइज, मैं हूँ प्रीति। अगर मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो आपको तो मेरी वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि हर एक वूमेन को, हर एक हाउसवाइफ को, हर एक किसको सब्सक्राइबर मिले। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय।